आप सभी का बहुत 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 स्वागत है अन्नपूर्णा किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों के फेवरेट नाचोस, जो अधिकतर लोग मार्केट से लाते हैं। आप एक बार घर पे जरूर ट्राई करें, ये बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही यमी एंड टेस्टी। आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों के फेवरेट नाचोस। उसके लिए चाहिए हमें जो जो सामग्री वो देख लेते हैं। एक कप चावल का आटा, नमक, एक कटी हुई प्याज जो हमने बारीक ज़्यादा बारीक नहीं की है, रफली काट ली है, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 1 टीस्पून जीरा, इन तीनों का हम पेस्ट बनाएंगे, प्याज लहसुन और जीरे का, लाल मिर्च पाउडर, ये मसाला बनाएंगे नाचोस के ऊपर डालने के लिए, उसमें लाल मिर्च पाउडर, मैगी मसाला, काला नमक, काली मिर्ची, चाट मसाला। अब नाचोज के साथ हम बनाएंगे इंस्टेंट डिप, जो उसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है। उसके लिए चाहिए हमें 1/2 कप दही, बारीक कटी हुई टमाटर, प्याज, लहसुन बारीक कटी हुई, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्ची, थोड़ा सा जीरा, काला नमक और 2-3 फ्रेश पुदीने के पत्ते हैं, जो उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट लेके आएंगे। और ऑयल चाहिए हमें। अब गैस ऑन करके एक पैन रख लीजिए, उसमें हमने 1 कटोरी आटा लिया है तो 1 कटोरी ही पानी डालेंगे। पानी को थोड़ा सा गर्म होने दीजिए। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही ऑयल। अच्छे से मिलाइए। आप चाहें तो ये मैदे के या आटे के भी बना सकते हैं। वैसे तो चावल के आटे और मक्के के आटे के ही बनते हैं, पर मक्के का आटा सभी के घर में नहीं मिल पाता है। इसमें उबाल आने दीजिए। अब इसमें उबाल आ चुका है, इसमें हम डालेंगे जो हमने प्याज लहसुन और जीरे का पेस्ट बनाया था, इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये पेस्ट अच्छे से मिला के अब फ्लेम को मीडियम पे कर लें, हाई ना करें, लो टू मीडियम। अब थोड़ा थोड़ा करके हम आटा डालेंगे इसमें और मिलाते जाएं, इकट्ठा ना डालें। अगर आपको पानी कम लगे तो थोड़ा गुनगुना करके आप डाल सकते हैं इसमें पानी। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये सब अच्छे से मिल चुका है। अब इसको ढककर 2 मिनट पकाएंगे हम। इसको ढक दीजिए और फ्लेम को लो टू मीडियम पे ही रखकर सिर्फ 2 मिनट पकाएंगे ढककर, जिससे हमारा चावल का आटा अच्छे से पक जाए। अब 2 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए आटा भी हमारा अच्छे से पक गया है। अब इसको एक थाली में निकाल लेंगे। नीचे एक थाली में निकाल लिया है हमने, इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें, पूरा ठंडा ना होने दें, फिर गुनगुने आटे में ही हम इसको अच्छे से मिसेंगे। देखिए अब ये इतना हो चुका है कि हम इससे हाथ लगा पा रहे हैं। अब थोड़ा सा हाथ में ऑयल ले लें और इसके ऊपर अच्छे से मिस लेंगे हम। आटे जैसा देखिए हमने अच्छे से मिस के इसके लोई जैसे बना लिए हैं, 2 या 3 जितना भी आपसे बने। अब सूखा आटा लगा के हम इसको बेलेंगे। अब इसको आराम से बेलिए, अगर साइड से टूट भी रहा है तो टूटने दें। देखिए हमने बेल लिए। अब आप चाकू से या पिज्जा कटर से किसी से भी इसके साइड के किनारे निकाल देंगे हम, साइड के किनारे निकाल देंगे। बीच के पोर्शन से इसे कट लगा लीजिए। देखिए ये इतना मोटा होना चाहिए, हमने थोड़े मोटे ही बनाए हैं। अब इनको हम ट्रायंगल में काट लेंगे। ये ऐसे बन जाएंगे हमारे सारे नाचोस, ऐसे ही बना के रखेंगे हम।
ये हमने एक लोई के बना लिए हैं, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, बड़े छोटे आप किसी भी साइज में रख सकते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है और तो इसमें हम डालेंगे सारे नाचो, मैंने दोनों तरफ से अच्छे गोल्डन कलर आने तक सारे डाल दीजिए, दोनों तरफ से अच्छे सेक लेंगे। देखिए अब अच्छे से सिक चुके हैं दोनों तरफ से, अब हम इन्हें निकाल लेंगे आराम से, फिर इनके ऊपर हम डालेंगे अच्छा सा मसाला, अच्छे से मसाले की कोटिंग कर देंगे। बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं, एक बार आप इन्हें जरूर ट्राई करें। देखिए नाचोज बनके तैयार हैं, बहुत ही क्रिस्पी है, देखिए आवाज़ भी आ रही होगी आपको, आवाज़ से ही आप समझ जाइए बहुत ही क्रिस्पी है। देखिए अब इनको हम मसाले की कोटिंग करेंगे, उसके लिए एक डिब्बा ले लेंगे हम, उसमें सारे नाचोज डालेंगे, ये एक कंटेनर में डाल लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें हमारा चाट मसाला, काली मिर्च कम ही डालें, छोटे बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं तो, काली मिर्च, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर और ये मैगी मसाला, अगर आपके पास हो तो ठीक है, इससे थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता है, और नहीं हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और थोड़ा सा हमारा वाइट नमक, अब इन सबको ढक्कन लगा के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम नाचोस तो हमारे तैयार हो चुके हैं ऑलमोस्ट, हमने मिला के रख लिए हैं, अब हमारे नाचो ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं, मसाले वाले बढ़िया कुरकुरे क्रिस्पी, उसके साथ हम बनाएंगे इंस्टेंट डिप, उसके साथ अगर आप खाएंगे तो ये और भी टेस्टी लगेंगे। उसके लिए एक बाउल में थोड़ा सा गाढ़ा दही ले लीजिए गट्ठा, उसमें आधी टी स्पून जीरा, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटा हुआ प्याज और लहसुन वो उसे भी बारीक काट लिया है, नमक, थोड़ा सा नमक और दो तीन पुदीने के पत्ते हैं फ्रेश, इन सबको अच्छे से मिला देंगे, इसके साथ नाचोस खाएंगे तो मज़ा दोगुना हो जाएगा, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। हमारे नाचोस और इंस्टेंट डिप दोनों बनके तैयार हैं, मैं दिखाई देती हूँ। देखिए हमारे नाचोस और इंस्टेंट डिप दोनों तैयार हैं, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे घंटी का बटन है उसे क्लिक करें जिससे कि मेरे नए नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।